हेलो एवरीवन, यह है पनीर जो मैंने घर पर ही दूध से बनाकर तैयार किया है, जो स्वादिष्ट तो होता ही है और एकदम प्योर भी होता है। और इसको बनाना बिल्कुल आसान है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। इसको मैं बॉईल आने तक चलाती रहूँगी और इसमें एक अच्छा सा बॉईल लगा दूँगी। तो यहाँ पर बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हैं। मैं इसको लगातार चलाती रही हूँ क्योंकि इसमें मलाई ना बने। तो आप देख सकते हैं इसमें झाग बन रहे हैं, अभी इसमें उबाल आ रहा है। अभी मैं इसको 1 मिनट तक तो उबालने के बाद ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है इसमें कि यहाँ पर बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको मैं 10 से 20 सेकंड ऐसे ही ठंडा करूँगी, चलाकर हल्का सा ठंडा कर लूँगी। और मैंने इसको गैस से अलग कर लिया है। इधर मैंने 1.5 नींबू का रस निकाल लिया है और इसमें जितना रस है उतना ही मैंने पानी मिक्स कर लिया है। अभी इसको आधा डाल दूंगी दूध में और इसको चलाकर मिक्स कर दूंगी नींबू के रस को। अभी जो बचा हुआ नींबू का रस है उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी और इसको लगातार छेना बनने तक चलाती रहूंगी। तो यहाँ पर मैंने बचा हुआ नींबू का रस भी डाल दिया है। इस तरह से हम बनाते हैं तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं इसको चलाती रहूँगी। नींबू का मैंने 1.5 नींबू का रस निकाला था, बड़े नींबू थे और बहुत अच्छा रस निकला है। तो यहाँ पर मैंने इस पूरा रस भी मिक्स कर दिया है और इसको लगातार चलाती रहूँगी जब तक छेना पूरा ना बन जाए, छेना अलग और पानी अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं छेना तो बन चुका है लेकिन अभी पूरा दूध अच्छे से फटा नहीं है क्योंकि अच्छे से अभी मिक्स नहीं हुआ है। लगातार चलाते चलाते अभी छेना अलग हो जाएगा और दूध पानी जैसा हो जाएगा। अभी भी अभी इसमें रह रहा है तो मैं इसको ऐसे ही लगातार चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छेना बनने लगा है, अलग होने लगा है और पानी सा अलग छटने लगा है और पानी का कलर चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा छेना फट चुका है और पानी अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी जब तक ये रूम टेम्परेचर पाए आएगा। मैं इसको ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है छेना दूध। तो मैंने ये लिया है कॉटन का कपड़ा, इसे मैं काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये काफ़ी जगह से चटक चुका है क्योंकि कॉटन का कपड़ा जल्दी से फटता है। तो इसका भी एक कोना बचा हुआ है तो मैंने एक भगोना ले लिया है और उस पर ये कॉटन वाला कपड़ा लगा लिया है। और जो छेना उसको मैं इसी में निकाल दूंगी कपड़े में पूरे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा छेना पलट लिया है भगोने में और जो इसके लगे हुए हैं टुकड़े उनको भी छुटा दिया है। और ये पानी जो निकला है पनीर से इसको मैं फेंक दूंगी अभी। वैसे आप चाहें तो इसको बोतल में भर के रख लें, ठंडा करके फ्रिज में अगले बार पनीर बनाने में ये काम आ सकता है, लेकिन मैंने फेंक दिया है। अभी जो ये छेना है उसको मैंने फिर से रख लिया है भगोने में और ये ताज़ा पानी ले लिया है क्योंकि छेना को हमें धोना है। तो यहाँ पर मैंने जिस बर्तन में छेना बनाया था भगोने में उसको भी धो लिया है क्योंकि छोटे मोटे टुकड़े थे, सब इसी में डाल दिए हैं। इसको मसलती रहूँगी पानी डाल डाल कर, जिससे कि नींबू का जो खट्टापन होगा पनीर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मसल कर पनीर को धुल लिया है पानी में। अभी मैं इसको दबा कर इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी। इस तरह से पनीर सॉफ्ट बनता है दबाने से। बार बार इसको दबाऊंगी, इससे पनीर फटेगा नहीं और जुड़ा हुआ बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। तो इस तरीके से सारा एक्स्ट्रा पानी मैं इसका निकाल दूंगी दोनों हाथों से दबाकर। आप देख सकते हैं ऐसे पनीर एक तो सॉफ्ट बनता है क्योंकि हमारा दूध पूरा क्रीमी होता है और स्वादिष्ट भी बनता है। शुद्ध तो होता ही है, आप लोग समझ सकते हैं, प्योर शुद्ध पनीर बनता है घर पर। और ये 1.5 किलो दूध का पनीर बनाया था मैंने। यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल दिया है और ये ले लिया है मैंने चकला। चकला थोड़ा भारी है, इसको मैंने रख दिया है। ये 1.5 घंटा हो चुका है चकले के नीचे दबे हुए पनीर को। तो पनीर यहाँ पर हमारा बनकर हो गया है तैयार क्योंकि 1.5 घंटे बाद मैंने इसको हटाया है। चकला काफ़ी भारी था तो इसकी शेप ऐसी हो गई है। लेकिन शेप का क्या करना है, पनीर तो एकदम शुद्ध बना है ना, शुद्ध और क्रीमी पनीर होता है। या घर पर बनाकर आप भी तैयार कर सकते हैं, एक तो सस्ता भी पड़ता है ऊपर से शुद्ध भी होता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करें घर पर पनीर बनाकर और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुद्ध और सॉफ्ट मार्केट से अच्छा पनीर आप घर पर बना सकते हैं। तो यही थी मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Please support me.